दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 अप्रैल तक कौन कौन सी चीजें होने वाली है बंद पूरी तरह से, जिसकी लिस्ट भी जारी हो चुकी है। यानी आपको 30 अप्रैल तक इन तमाम चीजों से दूर रहना होगा। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर सब कुछ जानेंगे, साथ ही हम आपको बताएंगे लोकल ट्रेनों के बारे में, बहुत ही बड़ी अपडेट के बारे में, और साथ में ये भी जानेंगे कि क्या आप महाराष्ट्र से बाहर जाना चाहते हैं, जैसा कि आप अपने गांव जाना चाहते हैं या किसी अन्य राज्य में या अन्य जिले में जाना चाहते हैं, तो क्या आपको अनुमति है। शनिवार और रविवार की रात जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वीकेंड लॉकडाउन के बारे में। जी हाँ, इसके तहत शुक्रवार रात से ही सोमवार सुबह तक लॉकडाउन रहेगा, अति आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र में 2 दिन का हार्ड लॉकडाउन चल रहा है। राज्य सरकार ने शुक्रवार रात 8 बजे से ही सोमवार सुबह 7 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन लागू किया है। इस बीच पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 58,993 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर एक अपडेट देख रहे होंगे, 24 घंटे में 58,993 नए मरीज मिले। अब 3 हफ्ते के लॉकडाउन पर विचार, सीएम ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। महाराष्ट्र में कड़े प्रतिबंधों के बावजूद कोरोना मरीजों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। सरकार अब 3 हफ्ते का टोटल लॉकडाउन लगाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। दोस्तों आपको बता दें, महाराष्ट्र में शॉपिंग मॉल्स में केवल जरूरी सामान की बिक्री सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक होगी। वीकेंड में सभी जरूरी सेवा चालू रहेंगी, गैरेज खुले रहेंगे लेकिन स्पेयर पार्ट की दुकानें बंद रहेंगी। एसी, कूलर, फ्रिज जैसे इलेक्ट्रिक सामानों की दुकानें बंद रहेंगी। डेस्कटॉप, लैपटॉप और मोबाइल की दुकानें भी खोलने की अनुमति नहीं मिलेगी। कंस्ट्रक्शन या इससे जुड़ी दुकानें बंद रहेंगी। शराब की दुकानें खोलने और डिलीवरी पर रोक है। और दोस्तों साथ में निजी परिवहन, फिल्म, सीरियल, विज्ञापन की शूटिंग, होम डिलीवरी करने वाले कर्मचारी और मजदूरियों भी शामिल है। महाराष्ट्र में अब तक 97 लाख लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन दी जा चुकी है। महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोरोना वायरस के मामले 9,200 आए हैं। और दोस्तों मुंबई की लोकल ट्रेनें चलती रहेंगी, ट्रेनों को किसी भी प्रकार से बंद नहीं किया गया है। सभी स्पेशल ट्रेन, लोकल ट्रेन, मुंबई लोकल ट्रेन चलती रहेंगी। तो दोस्तों ये प्रतिबंध 30 अप्रैल 2021 तक लागू रहेंगी, क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू होता दिख रहा है, इसीलिए उद्धव सरकार ने 3 हफ्ते का लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। उम्मीद है कि 30 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लगने जा रहा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।